तो हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हो कि छोटा सा पैक है दोस्तों, क्योंकि मेरे वॉच में जो डिस्प्ले है क्रैक हो गया था, तो मैंने इसको स्क्रीन गार्ड की तरह लिया है। और दोस्तों, प्लीज़ अगर आपने चैनल बनाया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो पैकेजिंग इसकी सिंपल सी है। आप जो वॉच का जो स्क्रीन गार्ड होता है, मैंने उसी को मंगाया है और वो छोटा सा होता भी है। चलिए मैं इसे आपको जल्दी से अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। वैसे दोनों तरफ टेप लगा है, तो मैंने दोनों तरफ से मुझे काटना पड़ेगा, और तीसरे जगह पर भी टेप लगा है जो ऊपर से, उसे भी मुझे काटना पड़ेगा अच्छे से। और दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूँगा कि इसमें मुझे 4 स्क्रीन गार्ड मिले हैं, क्योंकि सिंगल तो मिलता नहीं है, 4 मिले हैं। और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 149 रुपीज़ का ये स्क्रीन गार्ड मिले हैं और वॉच का। और मेरी उस वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पर है, तो देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि भी हमें 4 मिला है, जो स्क्रीन को साफ़ करने में काम आता है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मैंने 4 लिया था, और 4 मुझे ये 4 मिला भी है, और मैं स्क्रीन गार्ड भी आपको दिखा दूँगा। और दोस्तों, एक्स्ट्रा वैसे भी कुछ हमें नहीं मिला है। और इसमें आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इसको साइड में रखता हूँ, और चलिए मैं इसे आपको स्क्रीन गार्ड निकाल के दिखाता हूँ। अरे दोस्तों, इससे काफ़ी स्पॉन्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इससे और टाइट नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और देख सकते हो आप, ऐसा कुछ दिखता है। इसमें भी स्टेप 1 और स्टेप 2 दिया हुआ है। चलिए मैं इसे आपको भी निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपको भी अपने वॉच में लगाना होगा प्रोटेक्शन, जरूर लगाइएगा। मेरी ओपिनियन है दोस्तों कि प्लीज़ प्रोटेक्शन लगा लीजिएगा। अगर आपको वॉच कहीं पर भी टच हो गया ना स्मार्ट वॉच, तुरंत वो क्रैक हो जाएगा, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। और आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने इसे 4 लिया है, और मैं इसे सिंगल ही लगाऊंगा। चलिए मैं इसको भी अब साइड में इन सबको रखता हूँ, उसको वॉच लाता हूँ, उसके बाद फिर मैं वॉच को लगाता हूँ। और आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखते हैं नीचे से, यहाँ पे लोग 4 4 8। और दोस्तों, मैं अपना वॉच लेकर आ गया हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इसमें आपको लगा के दिखा भी देता हूँ कि कैसे इसको लगाया जाता है। वैसे दोस्तों, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है इसमें लगाने की, तो मैं पहली बार अपने लाइफ में लगा रहा हूँ, तो कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है। इससे पहले दोस्तों, लगाने से पहले आप एकदम अच्छे से अपने डिस्प्ले को साफ़ कर लीजिएगा, वरना कुछ भी पार्टिकल्स अगर रह जाएंगे तो फिर आपका डिस्प्ले वहाँ पे बबल बन जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं इसको जल्दी से अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छे से साफ़ करूँगा। और हम इन सभी को साइड में रखते हैं, और इसके बाद जो स्टेप 1 है, पहले हम इसको फार कर निकालेंगे, क्योंकि जो स्टेप 1 है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उसमें कुछ लिक्विड टाइप का जो पेज रहता है, उसमें कुछ लिक्विड टाइप का रहता है, तो उसको आप फार के निकालेंगे, तो उस पर आप लगा देंगे। और जो स्टेप 2 है, उसके बाद जो उसका जो पेज रहता है, वो थोड़ा हार्ड टाइप का, सॉफ्टी टाइप का रहता है। चलिए मैं इसे आपको फार के दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों कि इसे मैंने निकाल लिया है, और ये दोस्तों सच में कुछ लिक्विड टाइप का है, और इसे मैं फैला लूँगा। फैलाने के बाद मैं इसे अपने वॉच को अच्छे से साफ़ करूँगा। और आपको भी दोस्तों ऐसे अगर करना है, तो अभी अच्छे से अपनी वॉच को साफ़ कीजिएगा। और ये थोड़ा लिक्विड टाइप का दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपस में चपक भी रहा है। चलिए मैं इसे आपको जल्दी से साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ लगा के स्क्रीन गार्ड की स्क्रीन गार्ड कैसा लगता है। वैसे दोस्तों, मैं पहली बार अपनी लाइफ में लगा रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं लगाया था, तो हाथ थोड़ा सा कांपेंगे जरूर लगाते वक्त। चलिए अब मैं स्टेप 2 को खोल कर उसके बाद इसको सुखा देता हूँ। इससे मैं फैला के दोस्तों इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगा काफ़ी, क्योंकि अगर कुछ भी पार्टिकल्स रह गए उसमें तो बबल बन जाएगा। और अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगा देख देख के। आपको भी दोस्तों अच्छे से बिल्कुल साफ़ करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन गार्ड लगाना है, तभी ये परफेक्ट हो पाएगा, वरना बबल बन जाएंगे तो फिर उसके बाद अच्छा नहीं दिखेगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा। अच्छे से इसलिए मैं साफ़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ करूँगा। तो दोस्तों, ऐसे आप लोग भी अगर आपको लगाना होगा अपने स्मार्ट वॉच में, अगर आपको अपने स्मार्ट वॉच की सेफ्टी चाहिए, तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसे ही लगाइएगा। और इसलिए मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ, ताकि कोई भी पार्टिकल अंदर रह ना जाए, वरना बबल बना लेगा, तो इसलिए मैं अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं अब इसको लगाता हूँ। वैसे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, मैंने काफ़ी देर तक इसे साफ़ किया है, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, वरना ये लगेगा नहीं। तो दोस्तों, इसे मैं एक बार और फिर अच्छे से साफ़ कर लूँगा, ताकि इसमें कोई अगर धूल पार्टिकल्स आ गए हों तो अच्छे से मिट जाएं। और अब देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से मैं साफ़ कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही साफ़ करना है अगर आपको लगाना है तो। अभी भी इसमें थोड़े थोड़े धूल पार्टिकल्स हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रहा हूँ। और चलिए मैं इसे निकाल के अब लगा देता हूँ। वैसे दोस्तों, बहुत आराम से केयरफुली हमको लगाना है।
और मैं ऊपर का निकालता हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं था तो मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है, और ये अच्छे से लग भी नहीं रहा है। मुझे इसे फिर से निकाल कर दोबारा लगाना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे लगाऊं। ये अच्छे से लग नहीं रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कैमरे में कि, और अब जाके मैं इसे अच्छे से लगा रहा हूँ। अब शायद ये अच्छे से लग गया है, और अब मैं इसे अच्छे से चिपका देता हूँ इस पर ताकि ये बाहर ना निकले। अच्छा दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बबल बन गया है, फिर भी इतना साफ़ करने के, इतना क्लियर करने के बाद भी बबल बन गया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि लगने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। बबल तो नहीं गया है, बबल तो है थोड़ा बहुत। मैं इसे बहुत कोशिश कर रहा हूँ निकालने के लिए तो, लेकिन अभी बबल निकल नहीं रहा है, और आप लोग देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों वीडियो को इतना ही रहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।